अपियर हो रहे हैं, कुछ लोगों ने आफ्टर 6 मंथ्स अपियर होना, तो थोड़ी सी नो हाउ कुछ लोगों को तो होगी जिन्होंने पहले दिया हुआ है, जिनको नहीं है उनके लिए ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा है। आई एम डॉक्टर आमना मेंटोर MS गाइनियन ऑप्स। तो क्या किसी ने पहले दिया है लॉन्ग केस आप लोगों में से? मुझे आवाज बहुत कम आ रही है, 1 मिनट। किसी ने भी अभी तक नहीं दिया? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। मामा मामा ओके, टुडे सेशन हाइलाइट्स क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि टाइम और मास डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होंगे इसकी, गाइनी ऑप्स की इंपॉर्टेंट केस लिस्ट क्या है, और कोई नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट आ जाता है उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, एंड व्हाट आर द टाइम सेविंग हैक्स। सो एज यू ऑल नो के 2 सेशंस हैं हमारे, एक गाइनी का केस होता है और एक ऑप्स का केस होता है, ठीक है? दोनों में हमारे पास 1 1 आवर का टाइम होता है, ठीक है? उसमें हिस्ट्री तो मेरे ख्याल से लेते ही होंगे जब ट्रेनिंग में मतलब कर रहे थे, और एग्जामिनेशन भी काफी लोगों को आता ही होगा, लेकिन इसमें काफी ट्रिक्स हैं कि किस तरह से क्या क्या हिस्ट्री पॉइंट्स लेने हैं, क्या क्या एग्जामिनेशन करना है। बेसिकली जो मेरा ख्याल है वो यही है कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ही जो एग्जामिनर है वो आप लोगों को देख लेता है कि इसको पास करना है कि नहीं करना, ठीक है? तो देखते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर आमना बिल्कुल सही कह रही हैं कि आल्दो के आप MS की ट्रेनिंग के दौरान हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो सीखते हो, लेकिन व्हेन यू रियली अपेयर इन एग्जाम और एग्जाम डे पे अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से नहीं की तो फिर इट बिकम रियली डिफिकल्ट। तो कोर्सेज से ये फायदा हो जाता है कि वो जो बेसिक आपके चीफ कंप्लेंट्स होती हैं उनको कैसे एड्रेस करना है उनको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और सारे इंपॉर्टेंट केसेज हम ड्रिल कर लेते हैं, आपको खुद प्रैक्टिस का मौका मिलता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, किसी ने भी नहीं दिया पेपर? सारे ही फ्रेश हैं तो अच्छी बात है वैसे, वेरी गुड थिंग। मेरे वैसे डॉक्टर हीरा मेरे जूनियर्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है और उनके सफा पास नहीं हुआ, मुझे लगता है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओके, कोई बात नहीं, आम ना वी विल रिकॉर्ड फॉर देम एंड वी विल शेयर रिकॉर्डिंग लिंक, क्योंकि ऑलरेडी इट्स टू ठीक लेट है, ना, नाइट है, तो आई आई एम ठीक होपफुल कि हम 30-40 मिनट में ये इंट्रोडक्शन सेशन जो है MS का वो कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ये लोग सो जाएंगे, सब उन्हें ड्यूटीज देनी है। अच्छा, ये अपनी आवाज़ें तो जी निकाले, थोड़ा ऐसे ही है। थोड़ा इंट्रो तो हाँ कराओ। अबजीन, जमुना, नूरीन, नायला, जस्ट यू ये सब मुझे नो, लगता है RNU के ही है। नहीं हम नहीं लोग बोलेंगे तो बोलेंगे, इफ एनी वन अमंग यू वॉन्ट टू यू नो ओपन माइक अच्छा, एंड कम डॉक्टर फॉरवर्ड। यस, वालेकुम सलाम। हमना हूँ मैं। मैडम, मैंने डॉक्टर आमना की सुपरविजन में प्रेपरेशन की है और अभी रिसेंटली थेरी क्लियर की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थेरी क्लियर हुई है अल्हम्दुलिल्ला। और वाह, अभी ये है कि फर्स्ट माशाल्लाह। अटेम्प्ट किसकी है, टोक्स की। कब है और डॉक्स? अभी तो MS की डेट्स जो है वो अनाउंस ही नहीं हुई ना UHS की। डॉक्टर हम ना आपको डेट बता रही थी मुझे, शायद अक्टूबर या नहीं, नवंबर, वो ठीक। टेंटेटिव उन्होंने अनाउंस की थी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, बट दे आर नॉट कंफर्म। लेकिन टेंटेटिव 80% ठीक होती है, हम ना अच्छा, तो बस आप 3rd वीक ऑफ अक्टूबर ही बताइए। करीब करीब भी है। जी, बहुत कम दिन है उस लिहाज से, तो हमने तो अभी लॉन्ग केस का तो कोई आइडिया नहीं है। वैसे मैंने शॉर्ट केस और टोक्स के लिए वैसे जो है ना, ये मरियम इब्राहिम और वो जो डॉक्टर आमना आपसे मैंने बुक पूछी थी ना, शाजिया खटक, वो ऑरेंज से कलर की, यहाँ से ही कोर्स कवर करना स्टार्ट किया। वैसे हम ना, दिस इज नॉट एम्पल ना, मैडम मरियम इब्राहिम MS के लेवल की बुक है, और शाजिया खटक को मैं कुछ पर्सनली तो नहीं कहती, अच्छी जी बुकों की मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जी जो सिलेबस कंपाइलेशन के हवाले से देखें तो ये दोनों बुक्स जो हैं वो
मतलब थो दे हैव वेरी गुड स्टेशन एज वेल, लेकिन जी एम्पल जी नहीं है, सिलेबस कंपाइलेशन नहीं हो सकते। ठीक है, सही। सिलेबस कंपाइलेशन अभी आपने बात छेड़ ही दी है, चलो पहले हम लॉन्ग केसेस कर लेते हैं, डॉक्टर आमना इसको कंप्लीट कर लें, उनके बच्चे भी वो थोड़े तंग करेंगे उन्हें क्योंकि सोने का टाइम है, देन आई विल टेल यू। ठीक है, जी लेट हर टू जी कंप्लीट हर थिंग्स। ठीक डॉक्टर है, आमना थैंक आप कंप्लीट कर लें, ये जो MS के लिए आपने PPT तैयार की है, ये जो अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, श्योर। देन आई विल बी ठीक है आई विल डॉक्टर, आप स्टार्ट। पहले सबसे पहले प्रैक्टिस टूल्स की बात कर लें, क्योंकि ये काफी स्टूडेंट्स को होते हैं क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। अच्छा, ऑप्स केस के लिए हमें चाहिए फंडोस्कोप चाहिए होता है, सॉरी फीटोस्कोप चाहिए होता है, फीटोस्कोप चाहिए, BMI स्केल चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए जिसमें हम फंडल हाइट वगैरह देख लेंगे, और BMI भी लेना होता है। उसके अलावा शीट्स हैं जो एज अ वेज हम लोग यूज कर सकते हैं, तो 3 शीट्स मेरे ख्याल से काफी होती हैं एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा गायनी केस में पैप स्मेयर किट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयर स्पैचुला लेके जाना है, ग्लास आइड्स, बॉडी स्प्रे एंड मार्कर, जिसमें हम लोग उसको मार्क करेंगे पेशेंट का नेम और डेट और टाइम वगैरह जो लिखना होता है। HB स्टिक लेके जानी होती है, लिग्नोकेन जेल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर पेशेंट का पेन फील हो रहा है एग्जामिनेशन के दौरान, उसके लिए जेल इम्पॉर्टेंट होगी। एक सैनिटरी पैड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे तब पता लगा, मतलब मैं पहली दफा जब मेरा लॉन्ग केस था मैं नहीं लेके गई हुई थी, एंड माई पेशेंट स्टार्टेड ब्लीडिंग, तो मेरे उसकी वजह से भी मेरी एग्जामिनर काफी वो हो गई थी, तो पैड लेके जाना काफी जरूरी है। इसी तरह से पेन किलर भी, और 100 ml नॉर्मल सेलाइन अगर आपके पास है तो इट्स वेरी गुड फॉर ड्राई सर्विस इन केस ऑफ प्रोलैप्स। और जनरली जो है वो हमारे पास क्लिप बोर्ड होना चाहिए, जिसमें हमने हिस्ट्री नोट करनी है, स्टॉप वॉच, और क्लिप बोर्ड पे अगर हम लोग डेट्स मेरे ख्याल से मेंशन कर ले, इस्लामिक डेट्स या इस हिसाब से डेट्स वगैरह मेंशन कर लें तो वो ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि काफी लोग जो है वो डेट्स इस तरह से बताते हैं कि ईद के कुछ दिन गुजरे थे या रमजान का दिन था, रबीउल अव्वल था, या जिस तरह से भी उसके ऊपर अगर मेंशन होती है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है LMP और EDD निकालना। स्टॉप वॉच इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमें पता लग जाता है कि इतना टाइम गुजर चुका हुआ है एंड वी हैव दिस मच टाइम, और इस टाइम में हमने ये सब कुछ कवर करना है। BP एपरेटस, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, ये सबको पता ही है ये वाली चीजें। टंग डिप्रेसर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टॉर्च, हैमर और 3 शीट्स, इस तरह से मैंने बताया कवर करने के लिए, बिस्किट्स और कैंडीज वगैरह भी, जिस तरह से अगर डॉक्टर डायबिटिक पेशेंट है। जी डॉक्टर आमना, साहब, PPT नजर आ रही है आपको? मैंने ना कुछ पॉइंट्स अपनी PPT से शेयर किए हैं, आपकी जो कलेक्शन है ना बहुत नाइस है, लेकिन ये ज्यादा डिटेल में मुझे लग रही थी, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस। तो अगर कैंडिडेट्स ये देख सकती हैं तो लेट मी नो, अगर नहीं देख सकते तो मुझे बताएं, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अभी स्क्रीन पे विजिबल है एक नई लिस्ट, ओके ओके, सामने वाली तो लिस्ट के बाद टूल्स हाँ ये मोर की। डिटेल्ड लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपने ऐसे ही बैग तैयार करने हैं अब जैसे डॉक्टर आमना बता रही हैं। ठीक है, डॉक्टर आमना, क्लिप बोर्ड से मुराद ये वाला क्लिप बोर्ड है ना, दिस वन ना, जब आप प्रैक्टिस करें तो यहाँ अपने क्लिप बोर्ड पे ना व्हाइट पेज चिपका लें, और EDD के जो इम्पोर्टेंट हिंट्स हैं, जैसे डॉक्टर आमना ने बताया है कि इस्लामिक डेट के हवाले से, जैसे रमजान 1 अप्रैल को बनता है, तो यहाँ लिख लें, तो इससे फिर आपको बड़ा फायदा होगा जब आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे DOP। जी डॉक्टर हीरा, मुझे आपकी नहीं नजर आ रही स्क्रीन। नहीं नजर आ रही, चलिए मैं एंड पे कर दिखा दूंगी, यू जस्ट कंप्लीट योर PPT दरमियान में, वैसे ही शायद ठीक है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। आगे चलें। अच्छा, ये एक BMI चार्ट है जो लेके जाना होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों के लिए ये इजी हो जाता है कि हाइट इन सेंटीमीटर्स भी है और इन इंचेस भी है, ठीक है। तो ये हाइट हम लोग ले लेंगे और वेट इन केजी ले लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग जब इस चार्ट पे उसको, सपोज एक पेशेंट की हाइट है 5'8" और उसका 5'8" इधर से हो जाए, उसका वेट तकरीबन 72 kg है, तो इट्स नॉर्मल BMI, तकरीबन उसका 22-23 BMI बनता है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसका BMI जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
नाउ देर आर सम इम्पोर्टेंट ऑप्स केसेस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनीमिया है. एनीमिया तो मैं कहती हूँ जितना बंदा करे ना प्रैक्टिस इतना कम है, क्योंकि गायनी के केसेस में भी एनीमिया की हिस्ट्री और वो सब कुछ लेना पड़ेगा, और ऑप्स के लिए भी एनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तो 90% केसेस जो है ना वो एनीमिया के हैं ही हैं. लाइक कोई और केस भी होगा तो उसको एनीमिया तो होगा ही होगा. उसके अलावा डायबिटीज प्रिजेंट करता है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के साथ भी प्रिजेंट कर सकता है, आईयूडी के साथ भी, पोली जीडीएम एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये सारे केसेस जो है ना उनमें डायबिटीज हो सकता है इंक्लूड. इसी तरह से हाइपर टेंशन है तो उसमें क्रोनिक हाइपर टेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन, प्री एक्लेम्पसिया एंड आईयूजीआर, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे. ऑस्कोलिस्टोसिस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्रीवियस कार होगा, मोस्टली पेशेंट्स का प्रीवियस कार होगा, उसकी भी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी. एंड फिटल एनोमलीज दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये लेस कॉमन है, कार्डिक, थायराइड, ट्विन ब्रीच, पोस्ट एस एन पी फ्रॉम, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आते नहीं है. ये भी आ सकते हैं आपको, लेकिन मोस्टली ये वाले केसेस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट गायनी केसेस हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, मोस्टली ये केसेस आते हैं, मैस एब्डोमेन, यूवी प्रोलैप्स, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंड सब फर्टिलिटी. एंड लेस इंपॉर्टेंट केसेस आर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, प्राइमरी एमिनोरिया, एक्टोपिक और मोलर प्रेगनेंसी. और इसके अलावा पीआईडी के साथ भी इवन के जो है ना वो लेस इंपॉर्टेंट केस में आ जाता है, पीआईडी का भी केस इवन के आया हुआ है. तो हियर इज द समरी के क्या टाइम है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है. लॉन्ग केस हमारे पास दो है, एक ऑप्स का 1 आर का होगा, ये भी 60 मिनट्स के लिए, एक गाइनी का है, ये भी 1 आर का होगा. ऑप्स का अगर हम लोग ले लें तो 30 मिनट्स हमारे पास हिस्ट्री एग्जामिनेशन के हैं, और वाइवा के भी इसी तरह से 30 मिनट्स हैं. सेम इज द केस विद गाइनी, ठीक है. लेकिन उसकी आगे से फिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो मैं आपको बताती हूँ. अगर ऑप्स का केस है तो 11 मिनट्स ले लें फॉर हिस्ट्री, और उसमें से रिस्क फैक्टर्स उसके हम लोग साथ साथ निकालते जाएंगे. सो 11 मिनट्स मेरे ख्याल से इनफ है. इसमें ऑप्स हिस्ट्री अक्सर जो है वो काफ़ी टाइम ले लेती है, उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से कम टाइम में हम लोगों ने ऑप्स की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है. 11 मिनट्स फॉर एग्जामिनेशन, एंड देन वी आर लेफ्ट विद 8 मिनट्स, जिसमें हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री कंपोज करनी होती है, समरी बनानी होती है, और इन्वेस्टिगेशन मांगनी होती है एग्जामिनर से. तो दिस इज होल 30 मिनट्स. इसी तरह से गायनी का केस है तो इसमें क्योंकि ऑप्स वगैरह की हिस्ट्री इतनी लंबी नहीं लेनी होती, तो इसमें 7 मिनट्स आप कर लें हिस्ट्री और बोर्ड रिस्क फैक्टर्स के, 12 मिनट्स इज फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन भी आपने करना है तो उसमें टाइम लग जाता है. 11 मिनट्स फॉर समरी इन्वेस्टिगेशन एंड देन मेकिंग डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग डिस्कशन पॉइंट्स. तो अब आ जाती है बात एग्जामिनर की. 60 मिनट्स में से 30 मिनट्स हमने अपने कर लिए फॉर हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड आस्किंग इन्वेस्टिगेशन. अब मतलब वो तो हमारे हो गए. अगर हमने बहुत अच्छी हिस्ट्री, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन किया तो मतलब उसमें से हम काफ़ी सारे मार्क्स हम लोगों ने गेन कर लिए. अब मैं कहती हूँ जो फर्स्ट एग्जामिनर का वाइवा है वो भी हमारे अपने हाथों में होता है, और वो 15 मिनट्स भी समझे हमारे ही हैं, कि हम अगर इसकी अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो 45 मिनट्स तो समझें कि हमारे अपने हो गए. उसमें क्या है कि 95% क्या होते हैं, सबसे पहले तो एग्जामिनर कहता है कि हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आप हमें सुनाएं, 8 मिनट्स ऑलमोस्ट उसके आपके लग जाते हैं, ठीक है. बाकी रह गए हमारे पास 7 मिनट्स. उसमें वो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकती हैं कि आपने ये वाला हिस्ट्री पॉइंट क्यों पूछा, कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. तो हमें हर पॉइंट की सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम हर. और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में पॉसिबल क्वेश्चंस को क्या क्या पूछ सकते हैं कि व्हाई यू हैव आस्क्ड दिस इन्वेस्टिगेशन. लाइक हमसे वो ये पूछ सकती हैं कि आपने हेपेटाइटिस बी क्या हर पेशेंट में कराना जरूरी है, आप हर पेशेंट में हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग कराएंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, कि आप क्या कहेंगे कि जरूरी है कि नहीं जरूरी, ठीक है. तो यस वी विल से कि यस हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत हाई प्रेवलेंस है इन अवर कंट्री एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ अवर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, वाइल डिलीवरी के दौरान भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्स पेशेंट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन लग जाते हैं बच्चे को. सो यस हेपेटाइटिस बी इज इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मतलब है कि आप प्रीवियस कार है पेशेंट और उसमें लाए आपने क्यों पूछी स्कैन पे, इज इट इम्पोर्टेंट.
तो हम उनसे कहेंगे कि ये जो है वो स्कैन का एक पॉइंट है, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसके लिए हम लोग पूछते हैं वेदर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीवियस टू स्कार या प्रीवियस थ्री स्कार्स में लाइफ से कोई फर्क पड़ता। तो इस तरह से हर इन्वेस्टिगेशन का हमें पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन हमें क्यों मांगी और इसका क्या सिग्निफिकेंस था। इसी तरह से वो उनसे ये पूछ सकते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, लाइक अगर हमने पैप्स में दिया या कोई भी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें वो हमसे पूछ सकते हैं कि ये कितने की थी और क्या ये इतनी जरूरी है। जिस तरह से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हमने महंगी बता दी तो वो पूछेंगे क्या ये इतनी जरूरी है, क्या आप पेशेंट से ये करा रहे हैं। तो हमें वो पता होना चाहिए कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड उसकी कॉस्ट क्या है। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा क्या ये आपकी वार्ड रूटीन है, और एक मिनट बस वेट करें, एक मिनट बेटा, एक मिनट। सॉरी ओके स्टार्ट करते हैं। अच्छा वो फिर उसके बाद हमसे ये एग्जामिनर पूछेगा कि आपकी वार्ड रूटीन क्या थी, क्या आप लोग रूटीन में ये कराते होते थे इन्वेस्टिगेशन, आपने इस केस में क्यों कराई। अच्छा देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी के समराइज योर केस। समरी बहुत अच्छी बनानी आनी चाहिए क्योंकि उसके पेट मार्क्स हैं और समरी आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स, हमने हिस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स जब निकाल लिए होंगे उस पेशेंट के, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स बता सकें। प्रोविजनल डायग्नोसिस, इट इज ऑल्सो अ पेट क्वेश्चन, वो आपसे पूछते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी इवन के वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई दिस इज योर डिफरेंशियल। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड एग्जामिनर का आ जाएगा हमारे पास। ये सेकेंड एग्जामिनर के क्वेश्चन क्या है, सेकेंड एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन मोस्टली यही होता है कि हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट। तो अगर हमने मैनेजमेंट के पॉइंट्स अच्छे याद किए हुए होंगे, लाइक इसको हमने इस तरह से मैनेज करना है, तो कुछ चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट कि आपने इस एनीमिया में आपने ये मैनेजमेंट बोलनी है लाजमी, या डायबिटीज़ में जो कि आपका मतलब एक अच्छा लगता है कि ये अच्छा बोला है, तो वो मैनेजमेंट के पॉइंट्स अगर आप अच्छे कर लेंगे तो काफ़ी मार्क्स उसमें भी गेन हो सकते हैं। उसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने इसमें इस पेशेंट का क्यों सिजेरियन किया, या वाई यू वांट हर एसवीडी, वाई हिस्टेक्टमी एंड वाई मेरीना। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके अलावा वो अगर मतलब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप स्टेप्स बता दें टीएच के या सिजेरियन के स्टेप्स बता दें, और उसकी पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। इस तरह से मतलब रिलेट उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड व्हाट आर द रिसेंट एडवांसेस। अच्छा इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग भूल जाते हैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन के दौरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बीएमआई। बीएमआई क्योंकि हमने एंड में रखा हुआ होता है मोस्टली, तो वो हम भूल जाते हैं, तो बीएमआई इम्पॉर्टेंट है। ड्रग शीट अक्सर जो है वो हम भूल जाते हैं एग्जामिनर से मांगना, तो ड्रग शीट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा एमडीटी को अक्सर हम इन्वॉल्व नहीं करते ड्यूरिंग मैनेजमेंट, एंड प्रीवियस रिकॉर्ड आपने लाजमी मांगना है एग्जामिनर से उसका, ठीक है। तो उसके अलावा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बता देती हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कि हिस्ट्री टेकिंग के ऑलमोस्ट 10 मार्क्स हैं, एग्जामिनेशन के भी 10 मार्क्स, एंड प्रेजेंटिंग स्किल के 5 मार्क्स, ठीक है। जो अब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें अगर आपने करेक्ट फाइंडिंग्स पिक कर लिए हैं देर आर 5 मार्क्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 30 मार्क्स तो आपके इधर से ही हो गए, ठीक है। अगर आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत अच्छी है तो 30 में से आपको 25 तो वो दे ही देगी। इन्वेस्टिगेशंस आप हर चीज़ की, लाइक जो मैंने आपको जिस तरह से बताया एनीमिया, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस आपने की हुई होंगी कि ये इन्वेस्टिगेशंस मैंने क्यों मांगनी और ये मांगनी है, और उनकी जस्टिफिकेशन के साथ। सो इट इज़ ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स, 40 मार्क्स हो गए। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी इसी तरह से है कि वो आपसे पूछ रहे होते हैं सब कुछ कि ये क्यों है, ये क्यों है। अगर आपको अच्छा उसका आंसर आता है, आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, तो आपके तकरीबन 55 मार्क्स
और DDs के 65 मार्क्स तो आप खुद मतलब कर सकते हैं, उसके बाद आपका वाई वाई। तो 60% आर द पासिंग मार्क्स, हेयर यू आर पास्ट। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन DDs अच्छी की हुई है, सो यू आर पास्ट हेयर। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट प्लान, यानी जो काफी लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ये फलानी चीज पूछ ली, फलानी चीज पूछ ली, सो वो बहुत एक्स्ट्रा चीजों में आ जाता है। ट्रीटमेंट प्लान एंड जस्टिफिकेशन, इसके 20 मार्क्स हैं, फॉलो अप के 10 मार्क्स, एंड रिसेंट एडवांसेस के 5 मार्क्स हैं। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस एक अच्छा वे में कर लेते हैं तो इट मेक्स योर मार्क्स। तो थैंक यू, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैडम। मैडम, जी, वालेकुम मैडम सलाम। ड्रग ड्रग शीट का क्या मतलब है? शीट ये कि वो जो वार्ड में उसको मिल रही है मेडिसिन, उसकी एक ड्रग शीट होती है, लाइक आपने फाइल्स में देखी हुई होगी कि हम ड्रग शीट्स बनाते थे, वो जी, ड्रग शीट हमने एग्जामिनर से मांगनी है। ठीक है, कि हमें पता लग जाए कि कौन कौन सी ड्रग्स इनको जा चुकी हैं और कौन कौन सी नहीं गई। यस, विच मेडिकेशन शी इज टेकिंग। ठीक है मैडम, थैंक यू। मैडम हमारा ऑब्स का शॉर्ट केस है 15 मिनट्स का, तो उसमें 7 मिनट्स में हमारा हिस्ट्री एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि उसको हम कैसे टाइम को सब डिवाइड करें और कैसे रिस्क करें अपना लेने का। लाइक शॉर्ट केस का तो ये ना कि आपने इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पॉइंट्स लेने हैं, और इंपॉर्टेंट जो उसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन है वो करना है। जो लॉन्ग केस है उसमें तो आपने सारे एग्जामिनेशन और सारा सब कुछ लेना होता है हिस्ट्री पॉइंट। शॉर्ट केस का फिर मतलब यही है कि आप पर क्रिस्प एंड क्लियर हो कि आपने जो हिस्ट्री लेनी है उसी पॉइंट्स पे लेनी है। फिर एग्जामिनेशन में हम बाकी चीजें खुद ही स्किप कर दें, यानी उसको हम ये ना वेट करें कि एग्जामिनर हमें कहे कि अच्छा ये ना करो। नहीं, आप उसमें इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन करेंगे जो उससे रिलेटेड होगा। जी सही। डॉक्टर हिरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैंने तो काफी कुछ ऐड करने का सोचा था, लेकिन आपने तो सब कुछ ही कंपाइल कर अगर आप कुछ दिया। ऐड करना चाहती हैं तो नहीं, इट वाज परफेक्ट, इट वाज परफेक्ट। थैंक यू। और कोई डॉक्टर क्वेश्चन अमन, क्या पूछना मैडम हो? आपके सेशन के बाद मैं डॉक्टर हीरा से बस एक दो जो है ना अपने अपने केसेस के बारे में बस एक दो वर्ड्स कहना चाहूंगी सिर्फ। डॉक्टर अभी बता दूं? हाँ, व्हाई नॉट। जी मैडम, ये हम लोग जो है ना, हम ऑलमोस्ट 6 to 7 गर्ल्स हैं, हम लोग डिप्लोमा इन गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की कैंडिडेट्स हैं। हम लोगों के जो थेरी एग्जामिनेशन है वो हो गया है, और अब हम लोगों का 12th अक्टूबर को ना लॉन्ग केस और टॉक स्टेशन है। अब टॉक्स का तो इस तरह है कि लास्ट ईयर भी जब हम लोगों का फर्स्ट ईयर एग्जाम था तो वो हम लोगों ने मरियम इब्राहिम से हमारा काफी हद तक कवर हो गया था, और वो ड्रिल्स वगैरह और वो जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट हम लोग मतलब हमारे काफी हद तक प्रिपेयर है। मैडम सारा प्रॉब्लम हम लोगों को आ रहा है लॉन्ग केस में, जिसमें बिल्कुल मतलब हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको एक प्रॉपरली ओरिएंटेशन हो लॉन्ग केस किस तरह करना है क्या नहीं है। तो मैडम हम लोगों के पास तो बहुत ज्यादा कम टाइम है, तो मतलब उस लिहाज से मतलब आपसे कोई रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई इस तरह का हमें कोई प्रिसाइज तरीके से, या क्योंकि जाहिर है अभी 10 दिन रह गए तो इसमें कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन जैसे कुछ शॉर्ट सॉरी इंपॉर्टेंट जो है केसेस वो करा दिए जाए, या इस तरह एटलीस्ट इतना हो कि अगर उनमें से उनसे आउट ऑफ सिलेबस मतलब यानी कि जो आपने कराए उसके अलावा भी कुछ आ जाते तो हम लोग वहां पे बैठ के बिल्कुल ब्लैंक ना हो, एटलीस्ट कुछ प्रेजेंट करने के काबिल हो जाए। अच्छा समरीन, हमारे पास ना अपने बेस्ट केसेस की जो इम्पोर्टेंट गायनी के हैं और जो ओब्स के हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जी जी मैडम, तो आप वही सुन सकते हो। एग्जैक्टली मतलब हम बेसिकली हम तकरीबन 6 to 7 गर्ल्स हम कोई सोल्यूशन के लिए मैडम आपके पास इस तरह से आए हैं अभी। यू विल लव देम, यू विल लव देम। इतने डिटेल्ड सेशंस हैं एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रोलैप्स, इनफर्टिलिटी पे, कि आई डोंट थिंक सो कि यू कैन, ये आएंगे नहीं, डेफिनेटली आएंगे, और आई डोंट थिंक सो कि आप कोई भी चीज़ स्किप करोगे। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें आप। यू कैन कॉन्टेक्ट मैडम अस हाउ यू कैन गेट दोज रिकॉर्डिंग्स, सो आई विल जी लेट मैडम, यू। थैंक यू डॉक्टर मैडम, हीरा सही कह रही हूँ, डॉक्टर हीरा मैंने भी आपकी रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, वो वाली, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी है। थैंक अच्छा यू थैंक मैडम, यू। थैंक यू सो मच मैडम आपकी हेल्प के लिए। सही। अच्छा, मैंने अब कुछ अपनी PPT शेयर करनी है, अगर आप देख लें, लाइक अगर कुछ मिस हो गया है तो वो आप देख लें।
मुझे लगता नहीं है कि कुछ मिस हुआ है, मैं सुन रही थी, लेकिन डॉक्टर लाइक मैं सिर्फ रन करूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा ना ये तो हो गया है, ठीक है? चलें, एटलीस्ट 20 केसेस तो आपने अच्छे से करने हैं ना, अगर आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, ठीक है? और ये डूएबल चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट। ओके, इंशाल्लाह अपना विजन क्लियर रखें, कॉन्वोकेशन तक जाना है, ठीक है? तो अच्छा पता है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है सच बताऊं तो। जिस एग्जाम को आपने पास करना है उसका जो फाइनल स्टेप था यही है ना, कॉन्वोकेशन हो जाए और डिग्री मिल जाए, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ठीक कह रही हैं डॉक्टर हीरा। और वो जो एक खुशी होती है ना कन्वोकेशन की, वो एक अलग ही चीज होती है। वो बहुत अलग होती है। तो आप ना यूं करें, अब तो देखो एआई टूल इतने ज्यादा हैं, खुद की ही डीपी बना लें और कॉन्वोकेशन के अटायर में बनाएं, और बस उसको जब भी मोबाइल खोलेंगे इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको ना ये किक देगी अंदर से कि नहीं यार 12 अक्टूबर को भी है बट मैंने इसको करना है, ठीक है? मुझे तो ये कॉन्वोकेशन में जाना है, मुझे तो अपनी डिग्री लेनी है, ठीक है? तो ये एक अच्छी टिप है एक डेली किक के लिए। ओके, बाकी हाँ ये वो डिटेल्ड टूल्स हैं जो कि आपने तैयार करने हैं लॉन्ग केस के लिए, योब्स के हैं, गाइनी के हैं और ये जर्नल है, ठीक है? और क्लिपबोर्ड की बात हो रही थी, तो क्लिपबोर्ड से मुराद है, अच्छा बीएमआई की बात भी थी, बीएमआई तो उन्होंने दिखा दिया था। क्लिपबोर्ड ऐसा होता है, आम से यहाँ लिख लें एडीडी के लिए, इम्पोर्टेंट इस्लामिक डेट्स, ठीक है? जैसे पेशेंट बताएगी कि मुझे तो यकम जो फर्स्ट रोजा था ना तब महावारी आई थी, तो आपको फिर आप फिर इस्लामिक मंथ में ही काउंट करोगे, 14 डेज ऐड करोगे, और इतने यूज टू नहीं होते ना, लेकिन इंग्लिश मंथ के साथ ज्यादा यूज टू होते हो। तो अगर आपने लिखा हुआ है जो फर्स्ट रमजान था वो 1 जनवरी को था, लेट्स सपोज, वैसे 1 जनवरी को बनता नहीं है ये, आई थिंक समवेयर अप्रैल मई में जाके आएगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि 1 मई से ऑनवर्ड चल पड़ोगे ना, तो उसमें आपने 7 डेज ऐड करने हैं। तो इसलिए डॉक्टर आमना कह रही थी कि ये क्लिप बोर्ड है इस पे इस्लामिक डेट के जो बड़े इवेंट्स है ना ये लिख लें, और इसी क्लिप बोर्ड पे हिस्ट्री लेते रहेंगे तो एलएमपी वाला मसला आपका पक्का हो जाएगा, मतलब आपको रट जाएंगी चीजें बार बार हिस्ट्री लेके। हाँ स्टॉप वॉच बहुत बता चुकी हैं, बाकी इंपॉर्टेंट केसेस डॉक्टर आमना बता चुकी हैं, इंपॉर्टेंट केसेस के अलावा रेयर केसेस भी वो आपको बता चुकी हैं, तो ये वही स्लाइड है, लेस कॉमन केसेस भी बता चुकी हैं। ओके हाँ टाइमिंग का वो बता चुकी हैं। तो आपके पास रफली 1 आवर होता है जिसमें 30 मिनट आपने परफॉर्म करना है और 30 मिनट आपने अपना वाइवा देना होता है इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। अच्छा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, किसी में 1 लॉन्ग केस होता है, किसी में 2 लॉन्ग केसेस होते हैं, किसी में लॉन्ग केस होता ही नहीं है एमएस में, और शॉर्ट केसेस होते हैं, ठीक है? तो ये जो इंट्रोडक्शन सेशन है वो उन यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स के लिए है जिनका लॉन्ग केस है, राइट? और जिनके यू नो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज हम बनाएंगे अपने यू नो इंट्रोडक्शन सेशन के कैसे कैसे उनका फॉर्मेट होगा, तो वो आते ही रहेंगे। तो ऑब्वियसली इफ यू पीपल आर हेयर तो आई विल अज्यूम कि आप सबके लॉन्ग केस हैं, चाहे एक हैं चाहे दो हैं, ठीक है? यूएचएस में वैसे एक होता है। अच्छा ओब्स केसेस में आपकी ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है कि 11 मिनट हिस्ट्री लें, और हिस्ट्री लेते हुए रिस्पेक्टर्स को बोल्ड करते रहें, फिर 11 मिनट में आप एग्जामिन कर लें और 8 मिनट में समराइज कर लें, और इसी में आप इन्वेस्टिगेशन मांग लें, ताकि नेक्स्ट 30 मिनट में एग्जामिनर आपसे समराइज करो और इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट की बात कर ले। गाइनी के केस में जो टाइम है आपके 11-12 मिनट, उसको थोड़ा स्प्लिट किया जा सकता है, क्योंकि जो ओब्स के केसेस है ना उसमें हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से पता चलता है एनीमिया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जबकि गाइनी के केस में पता नहीं चलता। गाइनी के केस में वो मैस एब्डोमेन के साथ आई है, तो ये जानना कि वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है उसके लिए एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है ना? मोबाइल है, नॉन टेंडर है, एसआईटीज नहीं है साथ में, शिफ्टिंग डलनेस नहीं आ रही, बीएमआई अच्छा है, पेशेंट ठीक है, लिम्फेडेनोपैथी नहीं है, तो आपको पता ना ये तो बिनाइन मैस है, तो एग्जामिनेशन कितना जरूरी है, वो तो आपके मैस की डिफरेंशियल ही चेंज कर देगा, है ना? तो गाइनी के केस में आपको ये करना चाहिए कि जो बेसिक बेसिक चीफ कंप्लेंट की बातें हैं या जो फॉर्मल हिस्ट्री की बातें हैं वो जल्दी पूछ लें, एग्जामिनेशन करें, और एग्जामिनेशन के बाद जो एडिड चीजें आफ्टर डूइंग एग्जामिनेशन जहन में आती हैं वो फिर पूछ लें। जैसे मैथ्स पूछ लिया ना एग्जामिनेशन से वो मेलिग्नेंट निकल आया, तो फिर आप मेलिग्नेंसी के फीचर्स पूछें ताकि किस जगह की मेलिग्नेंसी है,
हाँ तो वो आप पिक कर सकें। सर आम से एग्जांपल दे रही हूँ कि अब मैस तो मिल गया, लेकिन ये यूट्रस का मैलिग्नेंट मैस है या ओवरी का या फेलोपियन ट्यूब का है। अब ये तो पेशेंट ही बात करोगे ना पता चलेगा। यूट्रस का होगा तो ब्लीडिंग के साथ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब का है तो यूजली डिस्चार्ज वगैरह होता है, या इट रिजेंबल्स लाइक ओवेरियन मैस एज वेल। और ओवरी का तो नॉन स्पेसिफिक होता है, और कोई ना कोई और रिस्क फैक्टर्स निकल आते हैं, ओल्ड एज है, फैमिली हिस्ट्री है, ओसीपी नहीं यूज किया, इंडक्शन बड़ी इस्तेमाल की है बुला बुला। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनेशन करने के बाद इतना टाइम मिले गायनी के केस में कि आप दो चार बातें और पूछ सको ताकि आप डिफरेंशियल बना सको। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो जी शबरा। मैडम, जी, हाँ देखो पेशेंट तो मैं कहेगी बाहर आ समथिंग। रहा है। हाँ थैंक यू वेरी मच। तो हम ना पेशेंट तो कहेगी समथिंग कमिंग थ्रू वजाइना, आपको पूरे 11 मिनट तक आप प्रोलैप्स की हिस्ट्री लोगे, और जैसे एग्जामिन करोगे वो पोलिप निकलेगा, फिर क्या करोगे? टाइम तो सारा आपने यूज कर लिया पहले ही। तो ये अच्छी बात थी ना कि आपने आधा टाइम बचा के रखा एग्जामिनेशन के बाद हिस्ट्री पूछने के लिए, और जब वो आपको नजर आया कि तो भाई पोलिप है तो फिर आप पोलिप की बातें करोगे ना, जी, होता है ना बिल्कुल। ऐसे। तो एक गायनी का केस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें आपने हिस्ट्री शुरू में शॉर्ट रखनी है, एग्जामिनेशन अच्छा करना है, और बची कुछ बातें हिस्ट्री के बाद में पूछ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीज आपका है, आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद भी ले सकते हो, ठीक है? जैसे आपको नहीं पता थायराइड निकलेगा, आपको नहीं पता चला कि कार्डिक निकलेगी, आपको वो एडिट साउंड सुनाई दी है अजीब सी अजीब सी, आपको थायराइड मिल गया, तो फिर अब वो क्वेश्चन आप उसी वक्त पूछ लो ना एग्जामिनेशन के साथ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हिस्ट्री हो चुकी है तो मैं पूछ नहीं सकता। लाइक आपको पेशेंट ने सर्जरी में बताया नहीं कोई सर्जरी हुई, आप भूल गए, अब आपने एग्जामिनेशन किया उस पर स्कार मिल गया, फिर तो पूछना है ना स्कार वाली बातें, भाई क्या हुआ था, जीए में जी हुआ था, कोई मसला तो नहीं हुआ, क्यों हुई है सर्जरी, हिस्टोपैथोलॉजी क्या थी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो 11 मिनट्स में पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होते हैं? फर्स्ट एग्जामिनर के पास भी 11 मिनट होते हैं, और सेकंड एग्जामिनर के पास भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम होता है, ठीक है? और बाकी बातें आपकी इन्वेस्टिगेशन जस्टिफिकेशन में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो 30 मिनट्स नेक्स्ट होते हैं ना, जिसमें आपका वाइवा होता है, तो उसने यही पूछना होता है, समरी बता दो, आपने ये हिस्ट्री की बात क्यों पूछी, आपने फलानी इन्वेस्टिगेशन क्यों पूछी, आपका पहला DD है तो ये क्यों है, दूसरा है तो वो क्यों है, ठीक है? और फिर जब आप साबित कर ही देते हो कि भाई ये मैस अपडामन है, मलिग्नेंट है, ओवरी का है, तो फिर अगला एग्जामिनर पूछता है चलो मैनेज करो, ठीक है? तो ये पॉसिबल वाइवा क्वेश्चन 90% यही होते हैं लॉन्ग केस में ना, फिर वो फॉलो अप, रिसेंट एडवांसेस, ये चीजें चलती रहती है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो डॉक्टर आमना बता चुकी हैं, तो जस्ट एक मैं इसको क्विकली लेके चल रही हूँ। अच्छा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिस्ट्री के 10 मार्क्स हैं, हिस्ट्री के तो मैं कहूंगी पूरे 100 मार्क्स हैं, क्योंकि अच्छी हिस्ट्री नहीं ली तो पता ही नहीं चला निकला क्या है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन पूछोगे और क्या मैनेज करोगे, मतलब हिस्ट्री चली गई तो फिर सब कुछ चला गया, ऐसा ही हुआ है ना। तो इसलिए अच्छा टाइम देना है क्वालिटी हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये हमारे तो अभी कोर्स का हमने ड्यूरेशन सेट नहीं किया है, 30 डेज की, वी विल अनाउंस इट लेटर, अभी इसको मैं स्किप कर देती हूँ, बाकी इसको भी मैं स्किप कर देती हूँ। हाँ स्केच देख लो, हाँ आप स्केच ऐसा रखिएगा हिस्ट्री का कि आपके दिमाग में होना चाहिए ये स्केच, ठीक है? माइंड मैप होना चाहिए कि मैंने सबसे पहले पेशेंट का अब नाम पूछना है, एज पूछनी है, मेरिट बार, बच्चे कितने, कैसे, LMP क्या, मेनोपॉजल है तो वो कब से है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन तो नहीं है, नॉन कोई क्रोनिक डिजीज है या नहीं है, और यहाँ क्यों आई है, और किस तरह आई है, OPD में आई है या इमरजेंसी में आई है, और फिर चीफ कंप्लेन, फिर ये फिल हो गया, फिर आप हिस्ट्री पे आ जाएं। अब हिस्ट्री में तो बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन हमेशा इसको 3 स्टेप में डिवाइड करें। पहले स्टेप में जो आपका मेन एम है वो ये है कि वो आई क्यों है, ठीक है? वो सो नॉन डायबिटीज है, हाइपर टेंशन है, बट अभी क्यों आई है? अभी उसको आने की वजह प्रोलैप्स हो सकती है, अभी आने की वजह UTI हो सकती है, अभी आने की वजह रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो हमेशा हिस्ट्री में आफ्टर बायोडाटा आपका जो एम है ना वो होना चाहिए कि वाई शी इज हेयर, चीफ कंप्लेंट, ठीक है? और चीफ कंप्लेंट में भी आपने पूछना है ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, साथ में कॉम्प्लिकेशन, एसोसिएशन, ताकि डिफरेंशियल्स तो बना सको। स्टेप 2 में आपने फिर सारी जर्नल हिस्ट्री पूरी कर दी है, लाइक अगर गाइनिंग है तो ओब्स की हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री,
पर्सनल हिस्ट्री जिसमें ड्रग एलर्जीज, सोशल हिस्ट्री, ये सारा पूछ लिया। लेकिन ये पूछने का मकसद ये नहीं होता खाना पूरी कर रहे हो, बल्कि ये पूछने का मकसद ये होता है कि रिस्क फैक्टर्स निकल आए। मे बी मेडिकल हिस्ट्री में कार्डिक निकल आए, सर्जिकल में कोई सर्जरी निकल आए, पर्सनल में कोई वो ड्रग अब्यूज या स्मोकर निकल आए, सोशल में पुअर निकल आए, तो आपकी हर चीज इम्पैक्ट होगी फिर मैनेजमेंट तक। और स्टेप 3 पे फिर आपने प्लान करना है, लेकिन यू विल ऐड पेशेंट कंसर्न्स हेयर। लाइक अगर आपको पता चला ये मैस एब्डोमेन HMB है जो फाइब्रॉइड है, तो फिर आप उससे पूछें कि उसकी कंसर्न्स क्या हैं, व्हाट शी वांट, मेडिकल या सर्जिकल। HMB तो मेडिकल से मैनेज हो सकता है, लेकिन इफ इट इज विद विद फाइब्रॉइड, तो कोई ना कोई साइज की कट ऑफ ही है ना हमारे पास जहां तक हम उसको दे सकते हैं। और अगर सर्जरी सर्जिकल में वो जा रही है, तो फिर उसमें क्या उसकी विशेज हैं, उसने बच्चा और पैदा करना है नहीं करना, ताकि हमारा मैक्टिमेस्टेक्टमी में कहीं तो जाए ना। अगर बहुत ही ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज है, मे बी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की तरफ जाएं, तो यहाँ पेशेंट के कंसर्न्स पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट हम ना अनम कुरत? मैम, यस मैम, तो ये माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए वाइल यू आर टेकिंग हिस्ट्री। ठीक है, जैसे जी वो, जैसे मैं कहूँ ये मैस एब्डोमेन का है, साथ में HMD है। ठीक है, सॉरी मेरा प्रिकर्सर नहीं काम कर रहा। तो आपने तो बड़ी एफर्ट करके तगड़ी हिस्ट्री ले ली है ना, और हम आपको निमोनिक्स भी देंगे। जैसे मैथ्स का निमोनिक है जिसमें हमने बिनाइन फीचर्स पूछने हैं, हमने मेलिग्नेंट फीचर्स पूछने हैं, वो एबसेंट है तो फिर ये बिनाइन है। ठीक है, कोरिलेट करेंगे फिर इस मैथ्स की एग्जामिनेशन के साथ। जैसे मैंने आपको बताया है कि अडेरेंट मैथ्स है, जो टस से मस नहीं हो रहा, जिसके लोअर लिमिट रीचेबल नहीं है, जिसके साथ आपको शिफ्टिंग डलनेस मिल रही है, पेशेंट का एक्सिक है, लिम्फोडिनोपैथी है, तो फिर ये मैथ्स क्या है, ये बता रहा है ना, ये क्या है, बताओ क्या है ये। क्या ये बनाई मैथ है? मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट है मैडम। है, ठीक है, लेकिन अगर ये मेलिग्नेंट मैथ है तो हिस्ट्री में भी तो कुछ पूछोगे ना, वेट लॉस तो नहीं हुआ, थे कोई सिग्निफिकेंट भूख लगती है, मेड्स की हिस्ट्री पूछोगे ना, बलगम में खून तो नहीं आता, पेशाब से खून तो नहीं आता है ना, सारे बोन पेन तो नहीं है, ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है, तो इन चीजों पर आपने सिंक कर लेंगे बाद में। चलो, तो लो ये जो है लाइक ये अगर ये मैस एब्डोमेन HMB के साथ है, तो 99% दिस इज फाइब्रॉइड। तो यहाँ आपने अपनी सारी मेडिकल सर्जिकल की सारी हिस्ट्री पूछ ली। ठीक है, अच्छा इसका निमोनिक भी है वैसे HMB का, ABCDEFG, ए से मेनोरिया एनीमिया, बी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सी से कॉन्ट्रासेप्शन, डी से ड्रग, ई से एंडोक्राइन, एफ से फॉर फाइब्रॉइड या कोई फॉरन बॉडी, जैसे पैसरी भी इस्तेमाल की हो तो ब्लीडिंग होती रहती है पेशेंट को, रिटेन पैसरीज में। ठीक है, जी से ग्रोथ, आई से इन्फेक्शन, तो वी विल टेल यू। तो ये सारी चेकलिस्ट हो गई, आपने फटाफट चेक 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 लगा दिया, ये तो आपके दिमाग में चल रहा है अपना। और स्टेप 2 पे आपने सारे रिस्क फैक्टर्स के चेक लगा लिया, और स्टेप 3 पे आपने मरीज से बात कर ली कि इसके लिए आपने अभी तक क्या इस्तेमाल किया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, और आपकी क्या विशेज हैं, व्हाट आर योर कंसर्न्स, वो खुद बता देगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे किसी सूरत बच्चेदानी नहीं निकलवानी, तो आप क्या मैनेजमेंट में एग्जामिनर को बताओगे मैंने स्टेक्टमी करनी है, कैन यू ऐड दिस ऑप्शन? नो नो नो, नेवर। अच्छा, अगर आपने पूछा ही नहीं तो फिर क्या बोलोगे? फिर तो कहीं के नहीं रहे ना, क्या ख्याल है? देन यू हैव टू जस्टिफाई मैनी थिंग्स। लेकिन अगर आप यहाँ पूछ चुके हो उसके कंसर्न्स, तो आप आराम से कह सकते हो, मैडम मैम एक्टिंग करनी है, आई हैव डिस्कस्ड विद माय पेशेंट। ठीक है, फिर आपने इसी मैस एब्डोमेन, वैसे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, एम्पल टाइम होता है ना एग्जामिनेशन का, तो आपने टारगेटेड नहीं करना लॉन्ग केसेस में, डिटेल करना है लाइक BMI, उसके सारे वाइटल्स, उसका रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, ठीक है, एडिमा शेडिमा एवरीथिंग, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और फिर PA भी तगड़ा सा, क्योंकि अब तो मैस है। ठीक है, और बाय मैनुअल से कोरिलेट करना है, स्पेकुलम करना है, एवरीथिंग। अच्छा, अब जब आपने यहाँ तक आपने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, इतनी दिक्कत के बाद, एक तो HMB फाइब्र और मैस एब्डोमेन वैसे ही फाइब्रॉइड था, फिर एग्जामिनेशन पे भी फॉर्म मैस है जो यूट्रस के साथ मूव कर रहा है, मोबाइल है, कोई शिफ्टिंग डलनेस नहीं है, कोई और मेलिग्नेंसी का क्लिनिकल फीचर नहीं है, तो फिर आपका तो बन गया है ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे डायग्नोसिस बिनाइन मैस, बिनाइन यूट्राइन मैस मतलब फाइब्रॉइड। और आप तो लोकेशन भी बता सकते हो, अगर ब्लैडर प्रेस कर रहा है तो बहुत फ्रीक्वेंट मिक्सुरेशन होगी, अगर पीछे पोस्टीरियर है तो बैकएक होगा, डिस्प्रूनिया होगा, फंडल है तो कुछ भी नहीं होगा, अगर बहुत बड़ा फंडल है तो मे बी एपिगेस्ट्रिक पेन हो, या अगर लाइक सर्वाइकल है तो फिर उसको इंटरमिटेंट ब्लीडिंग या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग डिस्चार्ज वगैरह होगा। तो आप तो आपकी हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, आप फाइब्रॉइड को मैप भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जब आपको इतनी अच्छी हिस्ट्री, इतना अच्छा एग्जामिनेशन आपने कर लिया, तो
मांगने में क्या दिक्कत है, वही बेसिक एग्जामिनेशन है, 5 CBC ब्लड ग्रुप, वायरल मार्कर्स, RBS, ठीक है, एंड कंप्लीट यूरिन, और फिर फाइब्रॉइड की स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, वो फाइंडिंग, वो है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड मांगेंगे। अब फाइब्रॉइड अगर 12 वीक साइज बड़ा है तो पेल्विक एब्डोमिनल दोनों मांगेंगे, 20 वीक साइज का तो साथ में IVU भी मांगेंगे, है ना, और चूंकि HMB भी है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी मांगनी ही मांगनी, क्योंकि जो भी इन्वेसिव ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड पे करते हैं उसका प्रीरिक्विजिट है कि बायोप्सी पास हो। चलो बायोप्सी क्यों करानी है, क्योंकि बायोप्सी पे अगर ATPI निकल आया तो आप क्या मायोमेक्टमी करोगे, आप तो हिस्टेक्टमी करोगे विद BSU, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फिर फाइब्रॉइड की चेकलिस्ट लगा के आपने एग्जामिनेशन मांग लिया, तो आपका तो 30 मिनट्स में अच्छे से केस तैयार हो गया, अगले 30 मिनट में एग्जामिनर ने जस्टिफिकेशन ही मांगनी है, जो कि आराम से तुम लोग जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, और मैनेजमेंट मांगनी है जो कि आप आराम से कर सकते हो। डॉक्टर आमना तो बड़ी जो है अच्छी मेंटोर हैं, वो तो बड़ा आपको मांझ के रख देंगी क्लिनिकल केसेस में, ऐसा चमक जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चेकलिस्ट है ऑब्स केसेस के लिए, कुछ एब्रीवेशंस के साथ हैं, ये स्टेप्स हैं, हम आपको बताते रहेंगे, 1 स्टेप 1 2 3। फिर चीफ कंप्लेंट भाई बहुत जरूरी है, चीफ कंप्लेंट ही तो बताती है कि डायग्नोसिस क्या है, फिर उसको कैसे पूछना है अकॉर्डिंग टू ईच कंप्लेंट, वो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये बेसिक सा आइडिया है, और ये पूरा बेसिक सा आइडिया है हिस्ट्री का टेल इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। स्टेप 1 चीफ कंप्लेंट है, स्टेप 2 में ये रिस्क असेसमेंट है, जैसे होब्स का केस है तो फिर आप इसमें ट्राइमेस्टर वाइज चेक्स भी लगा सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ये बातें पूछनी है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, और थर्ड स्टेप पे सारे कंसर्न्स वगैरह, पहले क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या फर्क पड़ा है, क्या उसके विशेष वगैरह। ओके, प्लानिंग के लिए दिस इज वेरी गुड टेम्पलेट, बाकी आर्ट तो यही है कि मरीज की इतनी इज्जत करो कि वो अपने आप को शहजादी फील करे, तुम तड़ाक करने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री लेते हुए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस में भी यही बातें करोगे तो फिर एग्जाम में भी यही करोगे, डोंट डू दिस। मरीज से हाथ मिलाएं, शेक हैंड शेक करें, बड़ा अच्छा उसको लगता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, डिसेंट वे में बात करें, ठीक है, कंसर्न बिहेवियर शो करें, उस जब वो बोल रही है तो दरम्यान में लुकमे मत दें, लेट हर टू कंप्लीट हर थिंग्स, एटलीस्ट चीफ कंप्लेंट जब बात कर रही है ना उसके दौरान बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि ये पॉसिबल है कि उसके 3 4 कंप्लेंट्स हों, एक इनफर्टिलिटी होगी, दूसरी HMB होगी, अब इन दोनों की मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, अब वो अपनी चीफ कंप्लेंट में बताएगी ना कि उसकी बेसिक जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रही है बात, वो इनफर्टिलिटी है या HMB है, ठीक है, इनफर्टिलिटी अगर HMB के साथ आए तो कोई ना कोई फाइब्रॉइड ही हम देख रहे होते हैं ना, या HMB के साथ नहीं भी आई और HMB है तो इसका मतलब कोई एंडोक्राइन इनफर्टिलिटी के साथ आ रहा है, अब नॉर्मल प्राइम ब्लीडिंग हो रही है, PCO है, थायराइड है, उनमें भी HMBs होती हैं, अगर उसको हार्मोन दे देंगे इनफर्टिलिटी को किस मुंह से ट्रीट करेंगे, नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको जब वो अपनी चीफ कंप्लेंट बता रही हो ना उसको इंटरप्ट नहीं करना, शी विल, आप वो खुद ही बता देगी जो मेरा मेजर कंसर्न है ना वो इनफर्टिलिटी है, इफ हर मेजर कंसर्न इन इनफर्टिलिटी तो हमने HMB नहीं ट्रीट करनी, ठीक है, इफ इट कम्स, अगर उसकी PCO निकल आई तो भाई हम उसको अगर PCO की ट्रीटमेंट किया, OCP देना, देंगे इनफर्टिलिटी वाले को, उसको तो CC देंगे, क्लोमीपेंसेट्रेट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 4 साथ में 2 3 प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को तो लेट हर टू टॉक अबाउट दिस, शी विल यू नो टेल यू के कौन सी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और हमने जो मैनेज करना है ना, हमने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को या उसके कंसर्न्स को देखते हुए ही उस चीज को मैनेज करना है, हम उसे बता देंगे कि पहले तो हम आपके इनफर्टिलिटी ट्रीट करेंगे, HMB बाद में देख लेंगे। तो मैनी थिंग्स विल कम, यू विल सी वेरियस सिनेरियोस, तो फिर जनाब कम्युनिकेशन में तो बहुत अच्छे रहना है आपने, मैंने डूज एंड डोंट्स लिख दी हैं, पर बाकी आप अपनी ना गायनी ओब्स के अलग अलग फाइल्स बना लें, गायनी के जितने भी केसेस हैं वो अलग फाइल में लिखने हैं, और ओब्स के जो हैं वो अलग फाइल में लिखने हैं, और उसमें भी आप फोल्डर्स बना लें या पेज जो हैं वो सेपरेट कर दें डायबिटीज एनीमिया के लिए ना,
ठीक है, मतलब एनीथिंग विच इज आप देख रहे हो डायबिटीज रिलेटेड, मे बी जब आप डायबिटीज की तैयारी कर रहे थे उस वक्त आपके जहन में नहीं आई और आफ्टर 2 और 3 डेज आ गई, तो उस पेज उस जगह पे है ना, उस जगह पे कुछ स्पेसेस होंगे आप ऐड कर सको. तो एवरीथिंग रेलेवेंट टू डायबिटीज शुड बी एट डायबिटीज प्लेस, एवरीथिंग रेलेवेंट टू एनीमिया शुड बी एट एनीमिया प्लेस. ठीक है, मे बी आप वार्ड में हो, वहां केस लिया और किसी पेज पे ले लिया और बड़ा अच्छा केस है, आप चाहते हो वो ना गुम हो, तो उसी पेज को पिनअप कर दो जहाँ एनीमिया लिखा होगा. ठीक है, तो ये आपने ऑर्गेनाइज कर दी अपनी चीजें. बाकी कुछ निमोनिक्स हैं, आई विल टेल, कीप ऑन टेलिंग यू, नो वरीज, निमोनिक्स बहुत सारे मिलेंगे आपको. स्टोरी टेलिंग की तरह आपने फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चंस बताने होते हैं, वो आई विल टेल यू. सेकेंड सेमेस्टर कैसे बताना होता है, क्योंकि ये चीजें आपने पहले से प्रैक्टिस की होती है ना बोलने की, तब आप 8 मिनट में एग्जामिनर के सामने सुनाते हो. अगर पहली दफा ही बोलना है तो आपकी इंग्लिश भी सीधी नहीं होती, आ ई कर रहे होते हो. ठीक है, तो ट्राइमेस्टर वाइज कैसे बोलना है वो वी विल यू नो गिव यू द थिंग्स. तो बहुत सारी चीजें हैं, मेरा ख्याल है आई थिंक दिस इज इनफ. यू वांट मी टू कंटिन्यू? हाँ यस मैडम, इफ यू कैन. ओके. कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या आप बस स्क्रीन शॉट ले लो, अभी तो मुझे शदीद नींद आ रही है. तो ठीक है, तो बस ये बातें हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं ना उन वो नहीं फेल हो सकता. लक का कोई एलिमेंट है ना तो वो 20% है, और पास होने के लिए 60% चाहिए, तो 60% तो भाई मेहनत ही है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता लक की बेस पे तुम लोग पास हो जाओ. यू विल बी लकी ओनली वेन वेन यू विल बी हार्ड वर्कर. बाकी हाँ, ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात है, लिसन, हिस्ट्री का टाइम कभी कभार शॉर्ट हो जाता है, तो कुछ चीजों को कोरिलेट करना सीखो. आप भूल गए पेशेंट से डायबिटीज और यूटीआई और वुंड का पूछना, तो बीएमआई जब ले रहे हो उसके साथ कोरिलेट कर लो. ठीक है, बीपी चेक करते हुए हाइपरटेंशन का पूछ लो, जॉन्डस चेक करते हुए उसे हेपेटाइटिस की पर्सनल फैमिली हिस्ट्री पूछ लो, पैलर चेक करते हुए एनीमिया को साथ में दिमाग में ले आओ, कभी ब्लड तो नहीं लगा, आयरन शरण खाती हो, डाइट कैसी है, थायराइड चेक करते हुए थायराइड की बातें कर लो, ब्रेस्ट चेक करते हुए मेलेग्नेंसी के क्वेश्चन पूछ लो, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन चेक करते हुए टीबी, अस्थमा, एलर्जी और सोशल हिस्ट्री का पूछ लो. टीबी वाले गरीब गरीब से होते हैं ना, इसलिए इस तरह इसको चेक चेक कर लो. सीवीएस चेक करते हुए कार्डिक का पूछ लो, या साथ में अदर मेडिकल डिजीजेस का पूछ लो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन चेक करते हुए सर्जरी की हिस्ट्री ले लो, या अगर मिल गई है तो फिर एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन और इनका पूछ लो, बायमैनुअल चेक करते हुए. अब देखो बायमैनुअल में पेशेंट ऊ ई करती रहती है, दर्द होता है उसको. ठीक है, तो ये चेक करते हुए उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो और यहीं उसे पूछ लो उसकी, अगर आपने कंसर्न्स नहीं देखे, आपने तो देखा ना ये फाइब्रॉइड निकल आया, तो यही पूछ लो कि आपके क्या कंसर्न है ये मैस को लेके. ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये ना आपके बच्चेदानी का मैस है, तो यही पूछ लो, तो टाइम बच जाएगा, यू कैन सिंक दीज थिंग्स टूगेदर. गेटिंग माई पॉइंट अनम करतुलैन? यस चलो, मैम, तो ये टाइम चोरी करने वाली छोटे छोटे टिप्स हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता 30 मिनट कैसे गुजर गए. ये छोड़ो, ये आई विल मैं सेंड इट लेटर, ये स्लाइड में वैसे ही है. ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर लॉन्ग केसेस प्रेपरेटरी कोर्स, तो ये हमारा नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. आपके जो मेजर गाइनी ओके केसेस हैं वी विल कवर इट, और आपके जो मेजर ओब्स के केसेस हैं वी विल कवर इट, और जिन लोगों का टोक्स भी है तो टोक्स के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के सारे सेशन हम अलग लेते हैं, सारी सर्जरीज की जो टोक्स सेशन है हम अलग लेते हैं, सारे फीटल मेडिसिन के अलग लेते हैं, मेटरनल मेडिसिन के अलग लेते हैं, लेबर्स बोर्ड के अलग लेते हैं, गाइनी बोर्ड के अलग ले रहे होते हैं, सीपीआर सारे इकट्ठे करा रहे होते हैं, तो ये टोटल 16 सेशन है. और देखो 16 सेशन से मुराद है कि हफ्ते में एक क्लास भी हो तो कितना टाइम चाहिए, खुद सोचो. चलो मैं कहूँ हफ्ते में दो भी हम मैनेज कर लें तो कितना टाइम चाहिए, स्टेट फॉरवर्ड 4 महीने तो चाहिए ना. तो अगर जी आप मैम, इस टाइम प्लान कर रहे हो कि आपने 3 3 मंथ्स का मिनिमम टाइम है ना,
3 मंथ्स का मिनिमम टाइम है, तो वो उसमें आप अच्छे से पूरा टोक्स और लॉन्ग केसेस तैयार कर सकते हो। उसमें कंप्लीट आपके टोक्स की तैयारी होगी और कंप्लीट आपके गायने के लॉन्ग केसेस और ओब्स के लॉन्ग केसेस की तैयारी होगी। यू विल नॉट स्किप एनीथिंग, आई गारंटी यू, एक भी स्टेशन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें आता ना। तो नाउ मैं, मेरा ख्याल है कि एम्पल हो गई आज डिस्कशन। मैम एक क्वेश्चन था, आप कोई बुक्स रेकमेंड करेंगे हमें टॉक्स के लिए, लॉन्ग केस के लिए, कि हम लोग कुछ किसी या बुक्स में कोई भी कुछ कंपाइलेशन करें? है ही नहीं, इतने सारे स्टेशन शाहजहा खट्टक में मिसिंग है। अच्छा, शाहजहा खट्टक का तो सर मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुझे तो बुरा लगता है किसी की बुक को बाय नेम बोलूं। यार अपडेटेड भी नहीं है अपडेटेड भी नहीं है, ठीक है? जी मैम, तो ऐसे ही है, वो रीसेंट गाइडलाइंस और उसके अकॉर्डिंग नहीं है उनकी मैनेजमेंट्स और एवरीथिंग। नहीं है ना, फिर देखो एमएस का जो एग्जाम है ना वो एफसीपीएस से बड़ा एग्जाम है। एफसीपीएस के जो मुझे डिग्री मिली थी ना उस पर लिखा हुआ था डिप्लोमा, और जिसको एमएस की डिग्री मिलती है उस पर लिखा था मास्टर इन ओब्स एंड गायनी। दिस इज यू नो रियल डिग्री, और ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी हलवा बगैर बगैर रगड़ा लगे और बगैर नई चीजें पढ़े, लेटेस्ट गाइडलाइंस पढ़े, ऐसे नहीं मिलने वाले। और तुम लोगों को तो रिसर्च और थीसिस पे इतना कुछ होता है, यू कांट स्किप, ठीक है? तो और जी मैम, ज्वाइनिंग द मैडम रेगुलर कोर्स तो वो सफिशिएंट है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड, एवरीथिंग, बिकॉज वी आर रनिंग थ्योरी कोर्सेज एज वेल, तो हमें तो हर चीज अपडेटेड बढ़ानी होती है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस, ठीक है? ये मैम मेरा थ्योरी को मेरी थ्योरी आपके कोर्स की वजह से निकली। मुझे पढ़ना ही आपका कोर्स लेने के बाद आया कि मुझे पढ़ना कैसे। लिटरली मुझे पहले पढ़ना नहीं आता था कि चीजों को पढ़ते कैसे हैं, गाइडलाइंस पढ़ते कैसे हैं। मेरी थ्योरी निकली है आपके कोर्स की वजह से। थैंक यू, इट्स वेरी यू नो बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। आपका आपका ये भी निकलेगा, क्लिनिकल एग्जाम भी निकलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, मैंने ज्वाइन कर लिया है कोर्स आपका, लॉन्ग केस का एंड क्लिनिकल का। इंशाल्लाह मैं श्योर हूँ कि इंशाल्लाह मैं कर लूंगी इसी अटेम्प्ट में। थैंक व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, चले। तो यू सो मच मैम। कोर्स ज्वाइन करना सफिशिएंट नहीं है, कोर्स फॉलो करना सफिशिएंट है। मैं आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं 2025, आई गारंटी यू, इफ यू आर फॉलोइंग द कोर्स then nobody can dare to pass, fail you, nobody can dare to fail you। तो बस कोर्स फॉलो करें, एंड और आपको दिक्कत नहीं होगी कि यार इस पे कौन सा टोगा आर्टिकल आया, कौन सा सीपा आया, कौन सी नाइस है, कौन सी जीटीजी है, कौन सा एसओजीपी है। वी विल कंप्लीट एवरीथिंग, और अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वी विल कंपेयर इट फॉर यू, सो रिलैक्स, यू जस्ट हैव टू लिसन आवर केसेस एंड सेशंस, दैट्स इट। लेकिन प्रैक्टिस भी करना है भाई उसको। मैम ये कितनी ड्यूरेशन का कोर्स होगा, क्योंकि हमारा एग्जाम हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में हो या अक्टूबर के एंड पे। आई एम टेलिंग यू कि अगर लाइव सेशंस के साथ हम इसको लेते हैं तो हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए, वरना ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड हमारे पास मौजूद है, पूरा कोर्स। मतलब अभी कल आपको पता है ना, कल एफसीपीएस का पेपर है, अभी मेरा तो कुछ देर पहले बूस्टर था एफसीपीएस के क्लिनिकल सेशन के बच्चों के साथ ना, तो वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड एवरीथिंग, लेकिन लॉन्ग केसेस हम लाइव लेंगे, आपके डॉक्टर आमना लेंगे, ठीक है? तो बाकी टॉक्स की आप परेशानी ना लें। तो दिस इज अबाउट द सेशन, लेकिन आपने हमें बताना है कि एग्जाम कब है, ताकि उसके मुताबिक हम आपका प्लानर बना के आपको दें। एमएस का सबसे बड़ा जो रोल है ना वो ये है कि किसी का पेपर फौरन हो जाता है, किसी का 2 महीने बाद होता है, किसी का 3 मंथ्स के बाद होता है, कोई पहले ज्वाइन कर रहा है, कोई लेट ज्वाइन कर रहा है, कोई 12 अक्टूबर वाले लोग भी होते हैं जिन्होंने 10 दिन के बाद पेपर देते हैं। तो वी विल डिजाइन एवरीथिंग फॉर यू ना अकॉर्डिंग टू दैट। फिर मैं आपको अगर आप कहते हो एग्जाम 1 महीने में है, तो फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट मोस्ट जो डेफिनेटली कमिंग चीजें हैं वो करवाऊंगी। अगर आप कहते हो कि 6 महीने में है, फिर यू नो आई विल बी इजी एंड आई विल ट्राई टू कवर इवन रेयर थिंग्स एज वेल। चलो, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट एवरीवन, लाव फेयर, सो मच मैडम, थैंक एवरीवन, थैंक यू आमना, यू, थैंक थैंक यू आमना, यू डॉक्टर आमना, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर हिरा, और थैंक यू सबका ज्वाइन करने के लिए।